हीरो मोटोकॉर्प अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर 7 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है, क्योंकि हीरो कंपनी अपने मीडिया और पार्टनर्स को इनविटेशन भी भेजना शुरू कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 7 अक्टूबर को पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी पहली लॉन्च करने वाली है, जिसका कंपनी हीरो की नई वीडा इलेक्ट्रिक ब्रांड के तहत लॉन्च करेगी। और यहाँ पे आप कन्फ्यूज ना होइएगा, हीरो मोटोकॉर्प और हीरो इलेक्ट्रिक दोनों अलग अलग कंपनी है। तो हीरो मोटोकॉर्प अपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पहली प्रोडक्ट 7 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है। हालांकि कंपनी ने मार्च में ही अपने वीडा ब्रांड के बारे में कंपनी ने पहली बार बताया था और जुलाई में इसको लॉन्च किया जाना था, लेकिन कंपनी ने जुलाई में इसे लॉन्च नहीं किया है। लेकिन अब अक्टूबर 7 को कंपनी लॉन्च करने वाली है पहली प्रोडक्ट। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी है इस चैनल पे देखने को मिलेगी, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर बाइक में क्या आपको फीचर्स मिलेगा, क्या रेंज मिलेगी, प्राइसिंग क्या होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी एथर, ओला, सिंपल वन, टीवीएस आईक्यूब इन सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को टक्कर देगी। तो प्राइसिंग इन्हीं स्कूटर्स के आसपास रखी जाएगी, जिसमें आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से रेंज भी, क्योंकि लोगों को ज्यादा रेंज चाहिए तो कंपनी रेंज भी देने की कोशिश करेगी, और प्राइस भी इंडियन मार्केट के हिसाब से रखेगी। तो इसकी प्राइस लगभग 1 लाख के आसपास हो सकती है। आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? फिलहाल 7 अक्टूबर कंपनी लॉन्च करने वाली है, तो उस दिन आपको सारी जानकारी डिटेल मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इस वीडियो में बस आपको यही जानकारी देनी थी कि वीडा कंपनी की फाइनली इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कोई स्कूटर खरीदने की सोच रहे होंगे तो इसका भी वेट कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल वन का वेट करते आ रहे हैं तो इस कंपनी का भी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्या पता उससे भी बेहतर आपको प्रोडक्ट्स हीरो कंपनी से आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।